हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्निकल चैनल मिस्टर बॉट। आज के हम विजुअल बेसिक के इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम लिस्ट बॉक्स का सही तरीके से यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ऐसा नहीं है कि कोई भी एक छोटा सा एग्जांपल देके और आपके कोई भी डाउट्स ना क्लियर करके वीडियो ख़त्म करके चल जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं इस वीडियो में दो एग्जांपल्स जो है आपके सभी के साथ शेयर करूँगा, जिससे जो है आप सभी के सभी डाउट्स जो हैं अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे लिस्ट बॉक्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक फॉर्म को क्रिएट किया हुआ है, मुझे इस फॉर्म को करना है अब डिज़ाइन। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिस्ट बॉक्स ले लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास कंटेनर जो है लिस्ट बॉक्स का आ चुका है। ठीक है, अब कंटेनर हमारे पास आ चुका है। अब मेरे को चाहिए एक बटन जिसमें हम डेटा ऐड करेंगे इस बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा रिसाइज कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है इस बटन का नाम चेंज करके कर देता हूँ ऐड। ठीक है, अब हमारे पास एक लिस्ट बॉक्स है, एक बटन है। अब हमें चाहिए एक लेबल जिसमें मैं यहाँ पे लिखूँगा एंटर डेटा, DATA। ठीक है फ्रेंड्स, इतना काम हमारा हो गया। अब मेरे को इसमें डेटा एंटर करवाना है, तो उसके लिए मेरे को चाहिए होगा टेक्स्ट बॉक्स। तो हमारे पास आ गया ये टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे मैं ऊपर कर लेता हूँ इसको, और इसके थ्रू ही हम जो है डेटा इसके अंदर कंटेनर में डाल पाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास इस फॉर्म के अंदर चार चीज़ें हैं, लेबल है, बटन है, लिस्ट बॉक्स है और टेक्स्ट बॉक्स है। हमें करना क्या है, टेक्स्ट बॉक्स में यूज़र से डेटा एंटर करवाना है और वो डेटा यहाँ पे जैसे आप ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक लिस्ट बॉक्स में पहुँचाना है। ठीक है, कैसे करना है इस चीज़ को जानते हैं। सबसे पहले तो आपको ऐड पे क्लिक करना है, जो बटन हमारा वन है इस पे आप क्लिक कर देंगे तो आप सभी इसके कोड में पहुँच जाएंगे। तो हमें लिस्ट बॉक्स वन, ठीक है, लिस्ट बॉक्स वन में आपको आइटम्स जो है ऐड करने हैं। तो यहाँ पे आइटम्स तो हमने लिख दिया, लेकिन अभी हमें उसे ऐड भी करना है। ठीक है, इतना याद रखिएगा, आइटम्स को हमने कर दिया ऐड। वैल्यूज़ हमें कहाँ से प्रोवाइड होगी, वो वैल्यूज़ हमें प्रोवाइड होगी टेक्स्ट बॉक्स वन से। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास उस फॉर्म में सिर्फ एक ही टेक्स्ट बॉक्स है, तो इसलिए हम टेक्स्ट बॉक्स वन ही लिखेंगे, .text टेक्स्ट की फॉर्म में हमारे पास डेटा जो है इसमें एंटर होगा। सिंपल सा एक कोड है हमने यहाँ लिख लिया। अब इसको कर देते हैं कंपाइल, डिबग करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारे पास। हमारा सॉफ्टवेयर रन हो चुका है प्रोग्राम। अब यहाँ पे मैं ऐसी एग्जांपल के लिए लिखता हूँ वन, एडिशन किया, देखिए ऐड हो गया। अब एग्जांपल के लिए लिखता हूँ मैं टू, यहाँ पे ऐड किया, ये ऐड हो गया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं वन पे क्लिक करूँ तो मेरे को इसकी इंडेक्स वैल्यू पता चल जाए। ठीक है, पहले मैं ये कोशिश करूँगा कि पहले मेरे को इसकी इंडेक्स वैल्यू पता करनी है और उसके बाद मेरे को ये जो मैंने इनपुट यहाँ पे लिया है यूज़र से, यही चीज़ मेरे को मैसेज बॉक्स के आउटपुट में मिल जाए। तो चलिए कैसे करना है देखते हैं। आपको जाना है फॉर्म पे, आपको आना है अब लिस्ट बॉक्स वन में। ठीक है, लिस्ट बॉक्स वन में आने के बाद आपको क्या करना है, डेटा शो करवाना है मैसेज बॉक्स में। एक अलग से पॉपअप विंडो आपको शो हो इसलिए, तो इसके लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे मैसेज बॉक्स, क्या करवाना है, शो करवाना है, तो डॉट शो। अब यहाँ पे जो है आपको ध्यान रखना है, आपने जो लिस्ट बॉक्स वन में, ठीक है, क्या करवाना है, डेटा को आपको जो है वहाँ पे इस टाइम करंट टाइम में इंडेक्स, यानी उसकी इंडेक्सिंग देखनी है कि उसकी पोजीशन क्या है, वन है, टू है, थ्री है, ये जानना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे सिलेक्टेड इंडेक्स टू स्ट्रिंग, हमने यहाँ पे टाइप कर दिया और इस प्रोग्राम को हम करते हैं रन। तो देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट देखने को मिलता है। मैंने यहाँ पे एंटर किया रेड, अब करता हूँ ग्रीन और अब करता हूँ ब्लू।
तो यहाँ पे मैंने तीन डेटा जो है यहाँ पे फीड कर दिया हमारे लिस्ट बॉक्स में, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स से एंट्री ली, यहाँ से ऐड किया, यहाँ पे आ गया। अब मैं रेड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए बता रहा है 0, ग्रीन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ बता रहा है 1, ब्लू पे यानी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बता रहा है 2, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, ये इसकी इंडेक्स वैल्यू बता रहा है, इसकी पोजिशन बता रहा है कि ये इस पोजिशन पर है। तो कहाँ से स्टार्ट किया हमने, 0 से स्टार्ट किया। आप चाहे तो डायरेक्टली 1 से भी स्टार्ट करते हैं, आगे मैं आपको कवर कर दूंगा इस चीज़ को कैसे करना है। तो यहाँ पे इसने बता दिया, लेकिन यहाँ पे ये जो इसने आउटपुट दिया है मेरे को मैसेज बॉक्स में आउटपुट दिया है। अब मैं यहाँ पे इससे ये चाहता हूँ, मैं इस प्रोग्राम को ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे मैंने इस ग्रीन पे क्लिक किया ना, तो यहाँ पे मेरे को अब इंडेक्स वैल्यू शो ना करके इसका इनपुट जो हमने दिया है वही यहाँ पे आउटपुट में शो हो जाए। मतलब ये वहाँ पे जो ग्रीन लिखा है तो यहाँ पे भी 1 की जगह ग्रीन ही लिखा होना चाहिए। तो कैसे करना है चलिए जानते हैं इस चीज़ को। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे आना है जहाँ पे सिलेक्टेड इंडेक्स है, ठीक है। यहाँ पे आपको टाइप करना है सिलेक्टेड आइटम, सिलेक्टेड आइटम हमने सिलेक्ट कर दिया है। इसको मैं कर देता हूँ कंट्रोल एस, ये रहा हमारा फॉर्म, ठीक है। इसको कर देते हैं हम कंपाइल। कंपाइल करने के बाद अब मैं यहाँ पे फिर दोबारा डेटा ऐड करता हूँ। चलो एक तो मैं एडिशन कर देता हूँ, ऐसी कुछ भी रैंडमली नेम सेव कर देता हूँ मैं। एक मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे दो एंट्रीज ले ली है, एक एडिशन एक मल्टीप्लाई। जैसे ही मैं एडिशन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अब मैसेज बॉक्स में मेरे को एडिशन शो होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे मैंने इसको बताया है कि मेरे को अब सिलेक्टेड आइटम चाहिए, जिस आइटम को मैंने सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो इसलिए वही आइटम का जो टेक्स्ट है आपको आउटपुट में दे रहा है। पहले क्या कर रहा था, पहले इंडेक्स वैल्यू दे रहा था। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को यूज़ कीजिए और अपने एप्लीकेशंस को और भी ज़्यादा हायर लेवल पर ले जाइए। तो ये था फ्रेंड्स हमारी वीडियो का पहला एग्जाम्पल। अब बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की। इस एग्जाम्पल में हम जानेंगे कैसे हम लिस्ट बॉक्स के अंदर डेटा को ऐड करेंगे। ये बात तो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में देख ली, लेकिन यहाँ पे हम इस चीज़ को जानेंगे कैसे हम उस डेटा को रिमूव करेंगे, शॉर्ट करेंगे, काउंट करेंगे। ये सारे के सारे ऑपरेशंस जो है हम सीखेंगे कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने फॉर्म को क्रिएट कर लिया है। तो चलिए अब फॉर्म को कर लेते हैं डिज़ाइन। तो इसके लिए सबसे पहले मेरे को चाहिए एक लेबल, इसमें मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ एंटर प्रोडक्ट्स, ठीक है, एंटर प्रोडक्ट। मैंने यहाँ पे इस लेबल का नाम रख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें प्रोडक्ट की एंट्री करनी है, तो एंट्री करने के लिए हमें चाहिए होगा टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया और इसको जो है अपने हिसाब से हम इसको रिसाइज कर देते हैं। हमारा टेक्स्ट बॉक्स रिसाइज हो गया। अब हमें चाहिए लिस्ट बॉक्स, तो लिस्ट बॉक्स में हम यहाँ पे डेटा सेव करेंगे। कंटेनर हमारा आ चुका है, इसको हम रिसाइज कर लेते हैं, ठीक है। इसे आप अपने हिसाब से रिसाइज कर लीजिएगा। अब हमने इसको रिसाइज कर लिया है। रिसाइज करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम जो डेटा ऐड करेंगे यहाँ पे लिस्ट बॉक्स में आना चाहिए। तो उसके लिए एक बटन चाहिए होगा हमें ऐड का, तो हमारे पास एक बटन आ गया। इस बटन का नाम मैं रख देता हूँ ऐड, तो यहाँ पे मैंने रख दिया ऐड। अब हम ऐड कर रहे हैं तो रिमूव भी करेंगे, तो एक बटन और हम लेंगे, इसका नाम रखेंगे रिमूव, ठीक है। हमने यहाँ रख दिया रिमूव। रिमूव करने के बाद अब हमें डेटा को शॉर्ट भी करना है, ठीक है, तो एक बटन और लेंगे, इसका नाम रखेंगे शॉर्ट। इसका नेम रीनेम कर देता हूँ मैं, कर देता हूँ शॉर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक शॉर्ट नाम का बटन जो है आ गया है। अब हमने डेटा को ऐड करना है, रिमूव करना है, शॉर्ट करना है। अब हमें डेटा को काउंट भी करना है, कितनी एंट्रीज हमने इस बॉक्स के अंदर की है। तो उसके लिए एक बटन और चाहिए हमें, जिसका नाम रखेंगे हम काउंट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं काउंट,
तो टोटल हमारे पास अभी चार बटन हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे चार बटन्स का हम यूज़ कर रहे हैं और एक लास्ट में एक बटन हमें और चाहिए जिसका नाम हम रखेंगे एग्ज़िट, क्योंकि एप्लीकेशन खोली है तो हमें एप्लीकेशन को एग्ज़िट भी करना है। तो बटन फाइव में हम यहाँ लिख देते हैं एग्ज़िट। तो देखिए हमारे पास पांच बटन, एक लेबल, एक टेक्स्ट बॉक्स और एक जो है लिस्ट बॉक्स तैयार हो गया है। सबसे पहले हमें ऐड करना है, तो ऐड बटन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ आने के बाद हमें टाइप करना है लिस्ट बॉक्स वन, इसमें क्या है हमें आइटम्स को ऐड करना है, आइटम्स ऐड, ठीक है। किस में से डेटा हमें चाहिए, हमें चाहिए टेक्स्ट बॉक्स वन में से डेटा चाहिए, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स वन लिखेंगे डॉट txt, ठीक है, txt टेक्स्ट की फॉर्म में हमारे पास डेटा इसमें आ जाएगा। बस इतना सा काम करना है हमें। अब हमें फॉर्म पे वापस जाना है। अभी हमने डेटा ऐड किया है तो अब रिमूव भी करेंगे, तो अब रिमूव वाले पे क्लिक करेंगे, रिमूव बटन पे। अब यहाँ पे आके हम रिमूव में टाइप करेंगे लिस्ट बॉक्स वन, ठीक है, लिस्ट बॉक्स वन डॉट आइटम्स। इन आइटम्स को क्या करना है हमें, रिमूव करना है, तो यहाँ पे डॉट रिमूव। डेटा कहाँ से आएगा हमारे पास, वो डेटा होगा हमारा लिस्ट बॉक्स वन के अंदर, क्योंकि डेटा तो हमारा वहीं जाएगा सेव होने के लिए। तो उसके लिए हमें लिखना है लिस्ट बॉक्स वन डॉट सेलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। ये हमारा काम हो चुका है रिमूव बटन का। अब हमें इस डेटा को शॉर्ट भी करना है, तो शॉर्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें शॉर्ट का कोड लिखना होगा, तो शॉर्ट के लिए यहाँ पे सिंपल सा कोड है लिस्ट बॉक्स वन, क्योंकि हमें शॉर्टिंग कहाँ करनी है, लिस्ट बॉक्स वन के अंदर करनी है, तो इसलिए हम यहाँ लिस्ट बॉक्स वन डॉट शॉर्टेड, ठीक है, इक्वल टू, आपको ट्रू एंड फॉल्स में वैल्यू देनी है, तो यहाँ पे हम ट्रू करेंगे, ठीक है, ट्रू हमने कर दिया। तो अब अभी तक हमने जो है डेटा को ऐड कर लिया है, रिमूव कर लिया है, शॉर्ट कर लिया है। अब हमें डेटा को काउंट करना है, तो काउंट करने के लिए यहाँ पे मैं पहले एक लेबल ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ टोटल, क्योंकि हमें इसका आउटपुट भी चाहिए होगा, तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ टोटल, और इसका आउटपुट हम लेंगे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो एक टेक्स्ट बॉक्स तो हमारे पास पहले से है, तो इस टेक्स्ट बॉक्स का नंबर है टेक्स्ट बॉक्स वन। अब हमें टेक्स्ट बॉक्स टू चाहिए, क्योंकि हम सेकंड यूज़ करेंगे, तो ये टेक्स्ट बॉक्स हमारा टू हो जाएगा। ये डेटा का आउटपुट जो है हमें यहाँ मिलेगा, टोटल काउंट्स जो है इस लिस्ट बॉक्स के वन के अंदर जो होगा वो यहाँ पे काउंट करेगा, तो उसका आउटपुट हमें इसके अंदर आएगा। तो इसके लिए काउंट पे क्लिक करना है। काउंट पे क्लिक करने के बाद आपको टेक्स्ट बॉक्स टू सेलेक्ट करना है, क्योंकि आउटपुट हमें इसी में चाहिए। टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट टेक्स्ट की फॉर्म में हमें आउटपुट चाहिए, ठीक है, इक्वल टू, किससे चाहिए हमें, लिस्ट बॉक्स से चाहिए, ठीक है। वो कौन सा लिस्ट बॉक्स है, हमारा लिस्ट बॉक्स वन है, आइटम्स काउंट, आइटम्स डॉट क्या करना है हमें, काउंट करना है। सिंपल सा हमारा प्रोग्राम था, ये तैयार हो गया। तो हमने ऐड भी कर लिया, रिमूव भी कर लिया, शॉर्ट भी कर लिया और काउंट भी कर लिया। अब हमें करना है एग्ज़िट, ठीक है। तो एग्ज़िट के लिए तो सिंपल सा है, आप सभी जानते ही होंगे, यहाँ पे हमें लिखना है मी डॉट क्लोज, ठीक है, मी डॉट क्लोज कर दिया, हमारा प्रोग्राम जो है तैयार हो गया है। अब चलिए इस प्रोग्राम को हम करते हैं रन, देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट देखने को मिलता है। हमने इस प्रोग्राम को कर दिया रन, हमारा प्रोग्राम जो है रन आ गया है। अब इसमें मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स को ऐड करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेन ड्राइव। अब पेन ड्राइव को मैंने कर दिया ऐड, ठीक है, ऐड हो गया है। अब मैं यहाँ पे हेडफोन कर देता हूँ, ठीक है, हेडफोन को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। यहाँ पे मैं लैपटॉप कर देता हूँ, ऐसे चार पाँच करता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लैपटॉप, अब यहाँ कर देता हूँ मोबाइल,
ठीक है, एक मोबाइल की एंट्री कर ली है मैंने, एक एंट्री मैं चार्जर की कर लेता हूँ, ठीक है चार्जर कर लिया, एक एंट्री और कर लेता हूँ मैं कीबोर्ड की बस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कुछ एंट्रीज जो है कर ली है। अब हमें किसी एंट्री को रिमूव करना है। सपोज़ कीजिए कि मेरे को यहाँ पे चार्जर वाली जो एंट्री है इसको रिमूव करना है, इस पर क्लिक किया और रिमूव बटन पे क्लिक कर दिया, तो देखिए यहाँ से रिमूव हो गया। रिमूव होने के बाद अब हम देखते हैं कि शॉर्ट फंक्शन हमारा काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो यहाँ पे देखिए पी एच एल एम के इस टाइप से जो है अरेंज हो रखा है डेटा, लेकिन हम चाहते हैं अल्फ़ाबेटिकल अरेंज हो जाए, तो शॉर्ट पे मैं क्लिक करूँगा तो देखिए अल्फ़ाबेटिकल जो है अरेंज हो गया है। काउंट पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे मेरे को काउंट में टोटल नंबर ऑफ जो बता रहा है एंट्रीज 5 बता रहा है, 1 2 3 4 5, तो 5 एंट्रीज हैं तो 5 यहाँ दिखा रहा है। अब बात करते हैं एग्ज़िट की। जैसे मैं एग्ज़िट पे क्लिक करूँगा तो हम प्रोग्राम से जो है एग्ज़िट हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आप इस प्रोग्राम को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा जो मेरे को लगा आपको बताना चाहिए कि आप सभी जो है लिस्ट बॉक्स को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो इस प्रोग्राम को डेटाबेस से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो आने वाले वीडियोस में मैं आप सभी को बताऊंगा। आप सभी को वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, और इस वीडियो के रिगार्डिंग फ्रेंड्स आप सभी को जो भी क्वेरी है वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना, मैं आप सभी का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आप अगर चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मैं मिलता हूँ फ्रेंड्स आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।